जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आईसीआई ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऑर्डिनेंस 2019 के ऊपर कुछ एफएक्यूज इश्यू किए हैं। इन एफएक्यूज में एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है, तो आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन है क्या, उसका आंसर क्या है, और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है उसकी वैलिडिटी कब तक की है। तो एफएक्यू नंबर 26, उसमें क्या पूछा हुआ है, इन केस एन इंडिविजुअल टैक्स लोन फॉर पर्सनल पर्पस टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इट डिपॉजिट। क्या अगर कोई इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए लोन ले रहा है, उस लोन में से इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, क्या वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगा? तो आंसर दिया है एफएक्यूज के अंदर, यस इट इज डिपॉजिट एज इट इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4। डिपॉजिट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 के अंदर दिया हुआ है और वहां पे कुछ एक्सक्लूजन भी दिए हुए हैं, तो उस एक्सक्लूजन में पर्टिकुलर ये टाइप का जो ट्रांजेक्शन है उसे कवर नहीं किया गया है, इसलिए यह डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की लिस्ट दी है, जैसे बैंक के पास से अगर आपने लोन ले लिया, रिलेटिव के पास से लोन ले लिया, एनबीएफसी के पास से ले लिया, और भी एक लंबी लिस्ट है, उनके पास से लोन लिया है और ये ट्रांजेक्शन किया, तो वो डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है उसमें कवर नहीं होगा। लेकिन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो लोग हैं उनके अलावा किसी और के पास से लोन ले लिया तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 के अंदर फ्रेंड का जो नाम है, यानी कि फ्रेंड वर्ड को यूज नहीं किया, अगर फ्रेंड के पास से लोन लेते हो तो उसे एग्जेम्प्ट नहीं कहा गया है, और फ्रेंड के पास से लोन लेकर आपने ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कर लिया तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आएगा। तो ये था FAQ नंबर 26। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी की। तो ऑर्डिनेंस तब तक ही वैलिड है जब तक पार्लियामेंट फिर से सेशन में आ जाए, और सेशन में आने के 6 वीक तक ही ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। उसके बाद बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर जो बिल है उसे फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर एक्ट बनेगा, फिर रूल्स बनेंगे। तो ये था आज का अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।